सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का पहली कक्षा में। तो कल के क्लास में क्या देख रहे थे हम? पाठ छः। क्या देख रहे थे? पाठ छः। तो क्या है पाठ छः में? क्या क्या था? भगत घरचर, मतलब भगत नाम का एक लड़का है ना, आपके जैसा ही छोटा सा लड़का है। हाँ, भगत घरचर। आलस मत कर, आलस मत कर। सड़क पर चल, सड़क पर चल। टमटम आई, टमटम आई। अब टमटम पर चल, अब टमटम पर चल। घर पर चल, घर पर चल। घर पर आकर अचकन बदल, घर पर आकर अचकन बदल। अचकन बदल कर आम चर, अचकन बदल कर आम चर। ये है पाठ छः। तो क्या है, भगत नाम का एक छोटा सा लड़का है, वो अपने पापा के साथ कहाँ गया है? बाहर गया है। तो अभी बाहर से कहाँ फिर घर जाना है, तो वो किसके मतलब राह देख रहे हैं, ऑटो रिक्शा या टमटम, किसी के तो इंतजार कर रहे हो। तो सड़क पर चलो बोल रहे पापा उसके, क्योंकि एक तरफ से क्या आ रही है, टमटम आ रही है। तो पापा बोल रहे सड़क पर चल, टमटम आई। अब टमटम पर चल, टमटम पर चढ़कर क्या करना है? बढ़ना है टमटम पर, ठीक है? पर बाद में घर पर चल, टमटम में बैठ के कहाँ जाना है? घर जाना है। टमटम पर चल, घर पर चल। घर पर आकर अचकन बदल, घर पर आकर क्या करना है? घर 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 जाके क्या करना है? हमें ड्रेस चेंज करना है, कि हम कहाँ भी बाहर जाते हैं तो अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं, है ना? तो घर से बाहर से आते हैं क्या करते हैं हम? वो अच्छा ड्रेस निकाल कर रखते हैं, कि नहीं? घर पर आकर अचकन बदल, और अचकन बदल कर आम चल, अचकन बदल कर ड्रेस निकाल कर क्या करना है उसको? आम खाना है। ये था पार्ट छः। तो अभी क्या करेंगे, आज इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम लिखेंगे। हाँ, प्रश्न उत्तर और खाली जगह भरिए, जोड़ियाँ लगाइए, ये सभी हम लिखेंगे, ओके? तो पाठ छः, पाठ छः। तो क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक एक, ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या मत करना है भगत को? भगत को आलस मत करना है। क्या मत करना है? आलस मत करना है। प्रश्न क्रमांक एक, भगत को क्या मत करना है? क्या मत करना है? भगत को क्या मत करना है? क्या मत करना है? भगत को आलस मत करना है। तो अभी अपने यहाँ पे लाइन नहीं डाले थे, अभी डालेंगे, क्योंकि आपको थ्री लाइन में ही लिखना है। पहला हो गया, दूसरा,
तीसरा एक, ओके ये हो गया हमारा ट्रिलियन का नोटबुक, दिख रहा है ना आपको सभी को? ओके तो भगत को क्या मत करना है, इसका उत्तर है, उत्तर भगत को क्या 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 की जगह में क्या लिखना है? भगत को, आंसर में हमने वो क्या लिखा, भगत को क्या की जगह में क्या लिखना है? आलस, आलस, आलस मत करना है। भगत को क्या मत करना है, देखो क्वेश्चन है, भगत को आंसर में क्या लिखना है? भगत को नीचे वैसे ही लिखना, भगत को क्या की जगह में? आलस, क्या की जगह में? आलस। क्या है, क्या है क्वेश्चन का वर्ड है, क्वेश्चन का शब्द है, क्या की जगह में क्या लिखना है? आंसर आलस। बाद में मत करना है वैसे ही लिखना, मत करना है, मत करना है। भगत को क्या मत करना है? भगत को आलस मत करना है। दूसरा है, भगत को किस पर चढ़ना है? किस पर चढ़ना है? किस पर चढ़ना है? क्वेश्चन तो क्या, भगत, भगत को किस, तो कोई की मात्रा की, किस पर चढ़ना, चढ़ना है, किस पर चढ़ना है, किस पर चढ़ना है भगत को, किस पर, किसकी राह देखते खड़े थे वो? टमटम। इस पर चढ़ना है टमटम, तो उत्तर क्या लिखना? उत्तर भगत को टमटम पर, किस पर? भगत को, भगत को किस पर? टमटम पर, टम टम टमटम पर, टमटम पर चढ़ना है, चढ़ना है। इस पर चढ़ना है, टमटम पर चढ़ना है। भगत को किस पर चढ़ना है? भगत को टमटम पर चढ़ना है। तीसरा है, अचकन बदल कर क्या चखना है? अचकन बदल कर लिखेंगे, अचकन बदल कर, अचकन बदल कर क्या चखना है? क्या चखना, चखना, चखना है? अचकन बदल कर क्या चखना है? क्या अचकन बदल कर क्या खाना है उसको? आम खाना है कि नहीं? अचकन बदल कर
बदल कर क्या क्या की जगह में आम 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 चखना है, चखना चखना है। पूछो देखो क्या है प्रश्न, प्रश्न क्रमांक एक, भगत को क्या मत करना है, क्या मत करना है, भगत को आलस मत करना है। दूसरा है, भगत को किस पर चढ़ना है, भगत को किस पर चढ़ना है, किस पर, भगत को टमटम पर चढ़ना है, भगत को टमटम पर चढ़ना है। तीसरा है, अचकन बदलकर क्या चखना है, अचकन बदलकर क्या चखना है, क्या चखना है, अचकन बदलकर आम चखना है, अचकन बदलकर आम चखना है। ये है प्रश्न और उत्तर। हो गया, लिख रहे हैं सभी, लिखो जल्दी जल्दी, थ्री लाइन नोटबुक निकालो और जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। हाँ तो अभी क्या देखेंगे, खाली जगह भरिए, दो, खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। एक है, पहला है लगाइए, जोड़ियां लगाइए। खाली जगह भरिए, प्रश्न क्रमांक तीन, जोड़ियां लगाइए। क्या है प्रश्न क्रमांक एक, खाली जगह भरिए। अब डैश पर च, अब डैश पर चढ़, पुस्तक। दूसरा है, घर पर आकर, घर पर आकर डैश बदल, डैश बदल, बदल, पुस्तक। तीसरा है, अचकन बदलकर, अचकन बदलकर डैश चख,
देखो अब डैश पर चढ़, किस पर चढ़ना है उसको, हाँ भगत को। अब डैश पर चढ़, किस पर? टमटम। अब टमटम पर चढ़, टमटम पर चढ़, अंडरलाइन करना है नीचे। ओके, घर पर आकर डैश बदल, घर पर आकर डैश बदल, घर पर आने, घर आने के बाद क्या बदल है उसको? अचकर, घर पर आकर अचकर बदल, घर पर आकर अचकर बदल, अचकर बदल कर डैश चर, अचकर बदल कर डैश चर, अचकर चेंज करने के, बदलने के बाद क्या करने है उसको, क्या खाना है? आम। अचकन बदल कर आम चर, आम, अचकन बदल कर आम चर, अचकन बदल कर आम चर। अभी क्या जोड़ियां लगाइए, क्या जोड़ियां लगाइए। पहला है आलस, आलस आलस। दूसरा है टमटम। तीसरा है अचकन। चौथा है आम। चौथा है आम। पहला इधर है शर्ट, ऐसे चाय आंटी शर्ट, बाद में मैंगो, बाद में लेजीनेस, बाद में हॉर्स कार, हॉर्स कार। तो क्या है देखो, आलस 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 मतलब शर्ट है, शर्ट है नहीं है, मैंगो है, आलस मतलब मैंगो है नहीं है, आलस मतलब लेजीनेस है, लेजीनेस है, यस आलस मतलब लेजीनेस। दूसरा टमटम, टमटम टमटम मतलब क्या? शर्ट है, टमटम मतलब शर्ट है नहीं, मैंगो है, टमटम मतलब नहीं, टमटम मतलब ये लेजीनेस हो गया। अभी हॉर्स कार, टमटम मतलब हॉर्स कार है, यस टमटम मतलब हॉर्स कार। अचकन, अभी क्या है अचकन, अचकन मतलब क्या है? शर्ट है या मैंगो है? अचकन मतलब क्या है? अचकन मतलब शर्ट मतलब शर्ट। लास्ट वन कौन सा बचा? आम। इधर कौन सा बचा है? मैंगो। ये आम और मैंगो, आम मतलब मैंगो है, यस आम मतलब मैंगो। हाँ तो ये है आपका आज का क्लास वर्क, क्या है ये क्लास वर्क है ना। तो ये क्या है, खाली जगह भरिए। अब डैश पर चर, अब डैश पर चर, अब टमटम पर चर, घर पर आकर डैश बदल, घर पर आकर डैश बदल, क्या घर पर आकर अचकन बदल, अचकन बदल कर डैश चर, अचकन बदल कर डैश च, क्या अचकन बदल कर आम च, अचकन बदल कर आम च। बाद में जोड़ियां लगाइए, जोड़ियां लगाइए। अभी आलस, आलस मतलब लेजीनेस, आलस मतलब लेजीनेस। टमटम मतलब हॉर्स का, टमटम मतलब हॉर्स का।
धब मतलब हॉर्स का, ओके। अचकन, अचकन मतलब शर, अचकन मतलब शर। हमें आम, आम मतलब मैंगो, आम मतलब मैंगो। तो ये हो गए आपके खाली, ये सभी प्रश्नों के उत्तर। खाली जगह भरिए और जोड़ियां लगाइए। ये हो गया आपका प्रश्नों के उत्तर, लिखिए, लिखकर हो गया। तो एक और एक बार पढ़ती हूँ मैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखिए। देखो क्या है प्रश्न क्रमांक एक, घ घ त घर, ओ को की मात्रा को, क को य और या क्या, तो को आधा लिखा है और उसको य जोड़ा है, क्या क्या मत करना है, भगत को क्या मत करना है, क्या मत करना है, भगत को आलस मत करना है, भगत को आलस मत करना है। दूसरा है, भगत को किस पर चढ़ना है, भगत को किस पर चढ़ना है, किस पर चढ़ना है, भगत को टमटम पर चढ़ना है, भगत को टमटम पर चढ़ना है। तीसरा है, अचकन बदलकर क्या चखना है, अचकन बदलकर क्या चखना है, उत्तर, अचकन बदलकर आम चखना है, अचकन बदलकर आम चखना है। हाँ, ये क्या करती हूँ अभी मैं, इरेज करती हूँ या और एक नया प्रश्न लिखती हूँ, आपने अभी तक देखा नहीं वैसा एक नया प्रश्न लिखती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्या है, पर्याय चुनकर लिखना है, मैं बोलती हूँ। देखो प्रश्न क्रमांक चार, प्रश्न क्रमांक चार क्या है, सही सही पर्याय चुनकर, सही पर्याय चुनकर निशान लगाइए। कौन सा ऐसा निशान, मैं बॉक्स में लिखती हूँ, निशान लगाइए। देखो सही पर्याय चुनकर निशान लगाइए, ऐसा या ऐसा, सही है तो सही लिखना और अगर गलत है तो गलत है। हाँ, कौन सा सही है उसके आगे टिक कर। पहला है, भगत को चढ़ना है, देखो किस पर चढ़ना है, ओके। उसका पर्याय पहला है बस, दूसरा है टमटम, तीसरा है सड़क, एक बस, दूसरा टमटम या तीसरा सड़क। तो इसमें कौन
इसके आगे बॉक्स ही नहीं है ना। दूसरा, तीसरा है सड़क। दूसरा है भगत को मत करना है। पहला है गप, दूसरा है बातें, दो ही बार सके देखो। सही पर्याय चुनकर पर्याय ये ऊपर र की मात्रा रे वाला शब्द है पर्याय ये रफा है पर्याय पर्याय ये क्या है पर्याय ये ऊपर या र पर्याय सही पर्याय चुनकर निशान लगाइए। कैसा ऐसा या ऐसा निशान लगाइए सही पर्याय चुनकर सही गलत निशान लगाइए। सही या गलत का निशान लगाना है भाई। पहला है भगत को चढ़ना है। भगत को चढ़ना है। भगत को चढ़ना है किस पर चढ़ना है? बस पर चढ़ना है भगत को। दूसरा टमटम पर चढ़ना है या सड़क पर चढ़ना है? क्या है तीसरा? सड़क पर। किस पर चढ़ना है उसको? हाँ, किस पर चढ़ना है? टमटम। किस पर चढ़ना है? भगत को चढ़ना है। किस पर? टमटम पर चढ़ना है। तो टमटम को क्या करना है? सही निशान लगाना है ऐसा। हाँ, आपने पहले भी किया है कि नहीं? पहले हम टेस्ट लेते थे तब उसमें ऐसे निशान आपने दबाए है ठीक है। तो कौन सा करेक्टर है उसके आगे आपके आपने क्या किया वो निशान लगाया था। तो अभी भी वैसे ही करना है। भगत को चढ़ना है। भगत को चढ़ना है किस पर? टमटम पर चढ़ना है। ये क्या है? बस पर। ये गलत है। ये सड़क ये गलत है ना। दूसरा है भगत को मत करना है। भगत को मत करना है। गप मत करना है क्या? बातें मत करना है क्या? आलस मत करना है। कौन सा है? गप है क्या? नहीं है। गप रॉन्ग। बातें वो भी रॉन्ग। आलस ये गलत है। भगत को क्या मत करना है? आलस मत करना है। तो आज के लिए ये दो ही बस के। तो सही पर्याय चुनकर सही या गलत का निशान लगाइए। सही या गलत का निशान लगाइए। समझ में आया ये कैसे किया है हमने? भगत को चढ़ना है। भगत को चढ़ना है तो किस पर चढ़ना है? भगत को बस पर चढ़ना है। बस नहीं है उसमें? नहीं है। टमटम है? हाँ है। टमटम है। तीसरा सड़क। सड़क पर चढ़ना है क्या उसको? नहीं। तो कौन सा करेक्ट है? टमटम। तो उसको क्या करना है? हमें सही का निशान लगाना है। सही निशान हमने यहाँ पे लगाया है। तो दूसरा है भगत को मत करना है। भगत को मत करना है क्या? मत करना है। पहला है गप, दूसरा है बातें, तीसरा है आलस। तो क्या मत करना है? गप मत करना है क्या? नहीं। बातें मत करना है क्या? नहीं। क्या मत करना है? आलस मत करना है। भगत को आलस मत करना है। तो ये है आपका इसका क्लास वर्क क्या है ये हमने आज नया सिखाया है आपको है ना। तो ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। ये क्या करना है? करेक्ट आपको पढ़कर लिखना है। पढ़ना है पहले, समझ कर लेना है इसको ओके। बाद में क्या करना है? लिखना है। हाँ, तो
क्या नहीं है, क्लास वर्क है ना, तो ये होमवर्क भी क्या आपको करना है, क्या क्या करना है, होमवर्क वन टाइम देखो होमवर्क में करना है क्या क्या, पहले प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर क्या कहते हैं, भगत को किस पर चढ़ना है, भगत को किस पर चढ़ना है, भगत को टमटम पर चढ़ना है, भगत को क्या मत करना है, भगत को आलस मत करना है, बाद में घर पर आप ये अचकन बदल कर क्या चढ़ना है, अचकन बदल कर आम चढ़ना है, ये क्वेश्चन आंसर, और खाली जगह भरिए, एक दो तीन, अब डैश पर चढ़, अब टमटम पर चढ़, घर पर आकर डैश बदल, घर पर आकर अचकन बदल, अचकन बदल कर डैश चढ़, अचकन बदल कर आम चढ़, ये तीनों खाली जगह भरिए, ये जोड़ियां लगाइए और ये सही पर्याय चुनकर निशान लगाइए, पर्याय मतलब ऑप्शंस, सही करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है उसके आगे टिक करना है, इतना ही नहीं बाकी ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ओके, सही पर्याय कौन सा है उसके आगे पहले जाकर है टिक मार करना है, बाकी जो दो है वो क्या करना है, क्रॉस करके छोड़ना है ना, तो ये है आपका इसका क्लास वर्क, और ये भी क्या करना है आपको होमवर्क पे भी लिखना है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे का भाग हम कल के क्लास में देखेंगे, ओके, धन्यवाद।